स्वागत एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज हम आपके लिए कर रहे हैं वीकली अपडेट। जितनी भी वैकेंसी अभी भरी जा रही है ऑल इंडिया लेवल पर, जितनी भी वैकेंसी अभी भारत के जितने भी स्टेट है उसमें जो वैकेंसी अभी भरी जा रही है उनकी जानकारी आज हमको आपको देने वाले हैं। तो आप स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट चाहते हैं हमारे साथ इस चैनल पर बनिएगा, हम आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IBPS करेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती है। 4000 से अधिक पद है और इसके लिए जो लास्ट डेट है आपकी 28 अगस्त 2019 है, ये आपको बताई हुई है। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन हम आपको बता देते हैं, ग्रेजुएट आप होने चाहिए भारत के आप जिस भी स्टेट से आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आयु सीमा आपकी 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिस्ट में छूट होगी। आवेदन शुल्क आपको मात्र 100 रुपये है, ये आपको बताया हुआ SC ST के लिए। और जो अन्य मेन्स की जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी 600 रुपये होने वाले हैं। IBPS.in इस पर आप चाहोगे IBPS.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां आपको आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 28 अगस्त 2019, आज से 16 अगस्त 2019 और जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी मीन्स की प्रीलिम जो होगा इसका वो 12, 14, 19, 20 अक्टूबर 2019 को ये होने वाला है। उसके बाद मेंस होगा और मेंस आपका होगा 30 नवंबर 2019 को और जो आपका प्रीलिम होगा ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने वाले हैं और जो आपके स्टेट है आपको इसी में सेंटर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हिमाचल से, आप हरियाणा से और आपका एग्ज़ाम दिल्ली में होने वाला है, तो आपके स्टेट में ही आपके प्रीलिम और मेंस होगे, आपके इंटरव्यू होगे IBPS के इस रिक्रूटमेंट ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। SSC ने 1350 पदों के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन, तो पद कौन से उस पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न कोटी के 1350 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों को अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2019। शैक्षणिक योग्यता आप 10th+2 पास में, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आएगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा, आप खुद उसको चेक कर सकते हैं। एज की बात करें तो आपकी एज 18 से 30 साल के बीच है, आप इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतन के बारे में जानकारी आपकी स्क्रीन पर हिंदी में आ रही है, यानी हिंदी पर आप हिंदी में पूरी जानकारी देखते हैं। तो आवेदन जो है वो आपके लिए इसमें SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट उनके लिए छूट प्रदान की गई और जो जनरल कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपये मात्र फीस होने वाली है। वेबसाइट आपकी SSC.NIC.in 31 अगस्त 2019 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है SSC.NIC.in, गूगल आप अपने गूगल क्रोम में सर्च बॉक्स में www.s/ssc.nic.in सर्च करेगा आप रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर पहुंच जाएगी। तो ये वैकेंसी आपकी भरी जाने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी UPSC की। UPSC ने NDA के लिए मांगे आवेदन, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते, आप एयरफोर्स में जाना चाहते, आप नेवी में जाना चाहते, तो आपके लिए ऑफिसर रैंक पर ये आपके लिए ये मौका होने वाला है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने NDA NA 2019 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें रिक्तियों की कुल है 415 जो ये खाली रिक्तियाँ ये भरी आपकी जाने वाली, जिसके लिए आर्मी में लिए 208 है, नेवी के लिए 42 पद, एयरफोर्स के लिए 120 पद है और जो 45 है ये अलग आपके नेवी कैडेट एंट्री स्कीम के तहत भरे जाएंगे। इसके लिए 3 सितंबर 2019 तक ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर अगर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप upsconline.gov.in इस पर भी आप जा सकते हैं, आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी के लिए प्लस टू की 12वीं तथा समक्ष परीक्षा के पास होना अनिवार्य है, जो आपकी जिस भी आप उसमें जाना चाहते ये परीक्षा आप देना चाहते तो आपके लिए प्लस टू पास आप होने चाहिए। एयरफोर्स और नेवी के लिए आप प्लस टू पास और 12वीं समक्ष परीक्षा फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ होगी, आपको इसमें बताया हुआ है, हिंदी में आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। आयु 2 जनवरी 2001 से 2004 के बीच आपकी होने चाहिए। आवेदन 100 रुपये आपको इसमें पे करने पड़ेगा। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बताया हुआ है, upsc.gov.in की वेबसाइट है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो पूरी जानकारी आपको इसमें फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, लिखित जो रिटर्न एग्ज़ाम है ये आपका होगा, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर आपका इसमें सेक्शन होने वाला है।
जो हमने आपको बताया था कि IBPS की जो वैकेंसी भरी जाएगी उसमें पार्टिसिपेटर बैंक ऐप के अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये बैंकों के नाम आ रहे, ये बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी वो ऐप के असिस्टेंट मैनेजर सहित कुल 300 पद, ये LIC के द्वारा एक नोटिफिकेशन की गई है, जारी की गई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, ठीक है। LIC का नाम आपने सुना होगा, इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई। 125 पद, 75 और 100 पद, ये अलग अलग कैटेगरी में ये आपके भरे जाने वाले। लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त 2019। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, 21 से आप 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक मिल जाएगी। उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। LIC housing.com/job/opportunities, इस पर आप सर्च करिएगा, आपको आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी है, ये आपकी भरी जाने वाली। अब जो शॉर्ट में जो वैकेंसी निकली उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया ये नाम है, और इसके जो वैकेंसी है पद का नाम, पोस्ट का नाम, जो आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आपकी भरी जाएगी। 21 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। PDIL and DOM की ये वैकेंसी ये आपकी भरी जाएंगी। उसके बाद भारतीय तट रक्षक नाव की वैकेंसी आपकी भरी जा रही है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल आप इन वैकेंसी के लिए 17 अगस्त 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। joinindiancoastguard.gov.in ये वेबसाइट है। वेबसाइट को अगर आपके पास पेन है या आपके पास और कोई फ़ोन है तो उस पर आप नोट करके स्क्रीन को देखकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद PGIMIR की ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। पद का नाम है आपकी स्क्रीन पर, साइंटिस्ट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 21। लास्ट डेट आपकी 21 अगस्त 2019। PGIMIR.edu.in इस पर जाकर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के द्वारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है, और अंतिम जो तिथि इसके लिए, लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 सितंबर 2019। kolkatahighcourt.gov.in ये वेबसाइट, इस पर जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा प्रोग्राम असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, अंतिम तिथि आपके 28 अगस्त 2019। iitkgp.ac.in ये वेबसाइट, इस पर जाकर आप 28 अगस्त 2019 से पहले आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। IISER मोहाली के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकली प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, 19 अगस्त तो लास्ट डेट है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप नोट कर सकते हैं, IISERMOHALI.ac.in। तो IISERMOHALI.ac.in ये वेबसाइट, इस पर जाकर आप 19 अगस्त से पहले इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, ये आपकी वैकेंसी भरी जा रही है। लास्ट डेट आपकी 17 अगस्त 2019। एकेडमिक एसोसिएट की वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। iimk.ac.in ये वेबसाइट है। 17 अगस्त 2019 लास्ट डेट है 41 की। तो अगर आप एलिजिबल आप इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा टीचिंग असिस्टेंट के ये वैकेंसी निकली हुई है, 19 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। PAU.edu ये वेबसाइट है, www.pau.edu ये वेबसाइट, इस पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा ये ट्रेनिस के पद पर ही वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन की अंतिम तिथि जो 18 अगस्त 2019 है। cochinshipyard.com ये वेबसाइट, इस पर जाएगा आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी वो जामिया मिलिया इस्लामिया में नॉन टीचिंग स्टाफ के कुल 75 पद ये रिक्त है, ये आपके भरे जाएंगे नई दिल्ली में। और लास्ट डेट है इसकी 16 अगस्त 2019 तक निर्धारित प्रारूप में आप ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो आज इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी कौन सी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेक्शन ऑफिसर सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS LDC उर्दू टाइपिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट UDC अकाउंट ऑफिसर स्पोर्ट्स कोच की ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। 250 रुपये आपकी इसमें फीस होगी। SC ST की जनरल की 500 रुपये, वेतन 18 से 20 हज़ार आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट है jmi.ac.in, इस पर आप जाकर आपको फॉर्म डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो फॉर्म आप उसके बाद भर के सबमिट करोगे। डीजल रेल इंजन कारखाना में ये वैकेंसी निकली हुई है, खेल कोटा के थ्रू, ये स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपकी वैकेंसी भरी जाएगी। अंतिम तिथि 23 सितंबर 2019। TLW.IndianRailways.gov.in पर जाकर आप 23 सितंबर से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा SSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, PGT की वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 5 सितंबर 2019 hssc.gov.in पर जाकर आप इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी निकली हुई है। 16 अगस्त 2019 कॉलेज की लास्ट डेट है और aimspatna.org इस पर जाकर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी भरी जाने वाली है। NTPC में इंजीनियर बनने का अवसर। नेशनल टर्मिनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसी 203 ये पद भरे जा रहे हैं और इसके लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 26 अगस्त 2019। ऑनलाइन मोड पर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए तो वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूँ। किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में और न्यूनतम जो 60% मार्क्स है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ आप होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए अधिकतम उम्र तो आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वेतन होगा 50,000 से 1,60,000 प्रतिमा रूप में आपको इसमें मिलेगा। आवेदन शुल्क जो होगा वो आपका इसमें 300 रुपये आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करें योग्य उम्मीदवार ऑफिस वेबसाइट पर जाएं, ये आपको बताया हुआ है। आपको NHPCA की किसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार था तो आज वो नोटिफिकेशन आ गई। आज 16 अगस्त 2019 और आज एक नई नोटिफिकेशन NHPCA हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की गई है। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे कौन सी वैकेंसी किस प्रकार से भरी जाएंगी। ये आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण आपको इसमें दिया जाएगा NHPCA में। पार्वती टो जल विद्युत परियोजना नागबाई मंडी हिमाचल प्रदेश की ये नोटिफिकेशन है के लिए। NHPCA लिमिटेड एमिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिकल ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर अंडर गोइंग 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द सेशन 2019-20 अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन द ट्रेड्स मेंशन बिलो। तो ट्रेड्स कौन से वो आपकी स्क्रीन पर हम आपको ला रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन की है, मैकेनिक की है, फेटर है, बेल्डर है, प्लम्बर है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की ये वैकेंसी भरी जाएगी। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी ये 12 भरी जाएगी, 12 पद है। 1 साल की आपकी इसमें ट्रेनिंग होगी, 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और बाकी जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक है 10th+ ITI की हुई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी ये होने वाली है। इसके लिए अप्लाई करोगे apprentice.gov.in पर आप जाओगे, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद उसको प्रिंट आउट करेंगे जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगी उसको प्रिंट करके और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने सेल्फ अटेस्टेड करके ये आपको एड्रेस दिया हुआ है इस यहाँ पर आपको ये भेजने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 10th पास आप हो, ITI आपने की हुई है, +2 पास ITI आपने की हुई, इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। NHPCA इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, आज 16 अगस्त 2019 को और आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो NHPCA की एक ट्रेनिंग टाइप इसमें होगी आपकी और ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है एक आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद अगर कहीं भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपके पास अगर आपने ये ट्रेनिंग की हुई है तो फिर आपको प्रमुखता आगे आने वाले टाइम में दी जाएगी। तो इसलिए ये आपकी स्किल इंडिया के तहत आपकी ये ट्रेनिंग वगैरह इसमें करवाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप एलिजिबल है, आपने 10वीं पास है, ITI आपने की हुई है या +2 पास है विद ITI तो फिर आप इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आज के लिए आपके लिए। तो ये थी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानकारी आपके लिए आज के लिए। इतने नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा।